नमस्ते, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ सर्विस। तो सीक्वेंस का मतलब होता है सर्विस का क्रम। हम सब जानते हैं कि जब गेस्ट होटल या रेस्टोरेंट में आने से लेके उनके बाहर जाने तक का जो कुछ सर्विस क्रम होता है उसे सीक्वेंस ऑफ सर्विस कहा जाता है। तो चलो ऐसे ही कुछ सीक्वेंस के बारे में आज हम जान लेंगे। तो सबसे पहला सीक्वेंस जो होता है वो होता है वेलकमिंग टू द गेस्ट या ग्रीटिंग टू द गेस्ट। तो जैसे ही गेस्ट एंटर करते हैं तो उनको हमें समय के अनुसार उनको विश करना होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद में उनसे पूछना है कि सर डू यू हैव एनी रिजर्वेशन, क्या आपका कोई आरक्षण है। अगर हाँ बोलते हैं तो हमें उनके रिजर्वेशन का जो रजिस्टर होता है उसमें उनका नाम चेक करना है। उसके बाद में का जो सिक्वेंस होता है वो होता है एस्कॉर्टिंग टू द गेस्ट, मतलब जो कुछ टेबल है गेस्ट का आरक्षित टेबल है उस टेबल तक उनको खुले हथेली के सारे गेस्ट के दो कदम आगे चलते हुए उनको टेबल तक लेके जाना। इस प्रोसेस को एस्कॉर्टिंग टू द गेस्ट कहा जाता है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सीटिंग टू द गेस्ट, गेस्ट को चेयर पे बिठाना। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमें महिला यानी कि लेडीज गेस्ट को सबसे पहले चेयर पे बिठाते हुए बाकी के अन्य गेस्ट को टेबल पे हमें चेयर पे बिठाना होता है। इस प्रोसेस को सीटिंग टू द गेस्ट कहा जाता है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है अनफोल्ड नैपकिन। टेबल पे जो कुछ फोल्ड किए हुए नैपकिन होते हैं वो गेस्ट के राइट हैंड साइड से जाके उनको गेस्ट के बैक साइड में जाके अनफोल्ड करना है। अगर जेंट्स है तो उनके पैर पे रखना है और लेडीज गेस्ट है तो उनके हाथ में देना है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है रिमूविंग एक्स्ट्रा कवर। अगर चार पैक्स का एक अगर टेबल है और तीन ही गेस्ट टेबल पर बैठे हैं तो एक कवर उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस कवर को निकालने के प्रोसेस को रिमूविंग एक्स्ट्रा कवर कहा जाता है। तो उस कवर को सेलवर के सारे रिमूव करके साइड स्टेशन में रख देना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है वाटर सर्विस। वाटर सर्विस करते समय हमें गेस्ट को चॉइस ऑफ वाटर पूछना है, रेगुलर फिल्टर वाटर या बॉटल वाटर। अगर उन्होंने अपना चॉइस बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बॉटल वाटर बताया तो उनको वाटर का टेम्परेचर पूछना चाहिए और उनकी चॉइस किए हुए वाटर को हमें उनके राइट हैंड साइड से जाके उनको वाटर सर्व करना है। उसके बाद में का सीक्वेंस होता है ऑफरिंग मेनू का। मेनू ऑफर करते समय हमेशा मेनू का पहला पेज ओपन करके गेस्ट के राइट हैंड साइड से उनको मेनू कार्ड को प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है ऑर्डर टेकिंग। ऑर्डर टेकिंग करते समय हमें क्यूटी बुक साथ में लेके, एक टिप टॉप पेन साथ में लेके गेस्ट के कम से कम 2 फीट के अंतर से एकदम सही पोस्चर में खड़ा होना है और ऑर्डर लेते समय नम्रतापूर्वक उनका स्टार्टर से लेके स्टार्टर जैसे कि कोर्स वाइज उनका ऑर्डर लेना है, स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स और डेजर्ट, इस क्रम में उनका ऑर्डर लेना है। ऑर्डर लेने के बाद उनका ऑर्डर एक बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद उनका फूड का जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो भी उनको बताना है कि सर आपका खाना बनने में इतना इतना समय लगेगा। और उसके बाद में एक एक करके आप उनका मेनू कार्ड कलेक्ट करके आपको साइड स्टेशन के पास जाना है और उनका खाने का ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सर्विस ऑफ स्टार्टर। जो भी स्टार्टर है उनको प्लेटर टू प्लेट अगर है तो आपको उनको लेफ्ट हैंड साइड से वो स्टार्टर सर्व करना है, प्री प्लेटर है तो राइट हैंड साइड से सर्व करना है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है क्लियरेंस ऑफ स्टार्टर। जो कुछ स्टार्टर खाने के बाद जो कुछ होता है गंदी प्लेट होती है उनका आपको क्लियरेंस करना होता है। उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सर्विस ऑफ सूप। सूप का सर्विस हमेशा राइट हैंड साइड से किया जाना चाहिए। उसके बाद में का सीक्वेंस होता है वो होता है क्लियरेंस ऑफ सूप, वो भी क्लियरेंस हमेशा राइट हैंड साइड से किया जाना चाहिए सर्वर के सहारे। नेक्स्ट सीक्वेंस जो होता है वो होता है सर्विस ऑफ मेन कोर्स। जो भी मेन मुख्य खाना गेस्ट का ऑर्डर होता है वो उनके सर्विस के अनुसार, अगर प्लेटर टू प्लेट सर्विस है तो लेफ्ट हैंड साइड से करना है, प्री प्लेटर अगर मेन कोर्स है तो राइट साइड से करना है। मेन कोर्स का होने के बाद में जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस ऑफ मेन कोर्स नेक्स्ट सीक्वेंस जो होता है क्लियरेंस ऑफ मेन कोर्स। क्लियरेंस करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप क्लियरेंस करेंगे तो बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए और एक एक प्लेट करके आपको क्लियरेंस करना चाहिए। पूरा क्लियरेंस होने के बाद अगर गेस्ट नॉर्मली अगर इंडियन खाना अगर आपने सर्विस किया है तो मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल दे यूज टू हैव देयर फूड विद द हैंड और विद द फिंगर्स। सो आपको उनको बाद में फिंगर बॉल हाथ धोने के लिए टेबल पे ही देना है विद वार्म वाटर एंड लेमन स्लाइस। उसके बाद में आपको टेबल को क्रम करना है, जो कुछ गंदगी टेबल पर पड़ी हुई है उस टेबल का क्रमिंग ब्रश के सहारे उसको आपको क्लीन करना है। और उसके बाद में का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सर्विस ऑफ डेजर्ट। जो कुछ डेजर्ट है आपको उसके अनुसार उसको आपको कवर सेट करना है और डेजर्ट की सर्विस आपको गेस्ट को करना है। सर्विस डेजर्ट सर्विस होने के बाद में खाने के बाद में नेक्स्ट सीक्वेंस जो होता है वो होता है क्लियरेंस ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का क्लियरेंस आपको करना है। उसके बाद में आपको गेस्ट को
पूरा क्लियरेंस टेबल पूरा साफ करना है, जैसे कि क्रेट सेट भी सिर्फ बर्डवास और वाटर ग्लासेस गेस्ट के टेबल पर रहेंगे, बाकी का पूरा क्लियरेंस आपको वहां से हटाना है। और गेस्ट को पूछना है, सर वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स, और आप कुछ लेंगे सर? अगर गेस्ट बोलते हैं नहीं, तो आपको बिल प्रिपरेशन के लिए लगना चाहिए, देना चाहिए। और उसके बाद का जो सीक्वेंस होता है वो होता है ऑफरिंग बिल, यानी कि गेस्ट को बिल ऑफर करना। और गेस्ट को बिल ऑफर करते समय हमेशा गेस्ट बिल फोल्डर में गेस्ट को बिल गेस्ट के राइट हैंड साइड से गेस्ट होस्ट के सामने बिल को आपको प्रेजेंट करना है। वो बिल का प्रोसेस होने के बाद में सबसे आखिरी का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सेइंग फेयरवेल या सी ऑफ। गेस्ट जब टेबल से उठेंगे तो उनको उठने के लिए आपको हेल्प करना है और उनको बोलना है सर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, इस तरीके से उनको सी ऑफ करना है। और इस तरीके से हमें ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट करना है। तो ये था आज का हमारा सीक्वेंस ऑफ सर्विस। थैंक यू।